टेम्पल को बनाने के लिए करीब 1,30,000 टन से भी ज्यादा ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ था। हे गाइस, दिस इज मनीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ तमिलनाडु के एक कल्चरल और रिलीजियस सिटी थंजावुर में। थंजावुर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और यहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने रूल किया, जिनमें से मेन थी चोलास किंग और उसके बाद नायक डायनेस्टीज़। यहाँ पर इस रूल के दौरान बहुत सारे टेम्पल्स, आर्किटेक्चर और बहुत सारी हिस्ट्री यहाँ पर डेवलप हुई और ये थंजावुर काफ़ी समय तक यहाँ पर कल्चरल प्लस रिलीजियस सेंटर भी रहा। आज यहाँ पर सबसे बड़ा जो टेम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल, उसका नाम तंजावुर सिटी के साथ जुड़ चुका है। तो अगर आप तंजावुर सिटी आते हैं तो इस टेम्पल को ज़रूर विजिट कीजिए। इसका दूसरा नाम बिग टेम्पल भी है और इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ और हिस्ट्री जुड़ी हुई है। इस सिटी में और भी बहुत कुछ देखने और करने के लिए है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी बृहदेश्वरा टेम्पल से। बृहदेश्वर मंदिर अपने आप में एक अद्भुत और रहस्यमयी संरचना है। चोल साम्राज्य के द ग्रेट लिविंग टेम्पल्स में से एक भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर को महान चोल शासक राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसे पेरिया कोविल, राजराजेश्वर मंदिर या राजा राजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। यह द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है जो 8.7 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा मंदिर में गणेश, सूर्य, दुर्गा, हरिहर और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो मैं बृहदेश्वर मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। अंदर जैसे ही आप आ रहे होंगे आपको तीन बड़े से गेट मिलेंगे, जिनमें से दो गोपुरम हैं और इतने ह्यूज हैं कि वो कैमरे में भी कैद कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सबसे पहले जब आप एंट्री करते हैं तो जो मेन गेट आता है वो एक धनुष बो की शेप में है, जिसे मराठा रूलर्स ने बनवाया था। ये एरिया या तंजावुर जो सिटी था उस समय पहले प्रिंसली स्टेट था, पहले ये चोलास के पास था। फिर समय के साथ जब चोला राजा चोल की मृत्यु के बाद ये स्लोली मराठा किंग्स के पास हो गया। मराठा किंग्स ने भी इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया। इस सिटी का बहुत सारा उन्होंने रखा नए टेम्पल्स बनाए और वो बारी गेट उन्होंने ही बनवाया था, इसे मराठा द्वार भी कहते हैं। अब मैं मंदिर के मेन हिस्से की तरफ बढ़ रहा हूँ, जहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति नटराज के रूप में स्थापित है। और भगवान शिव की मूर्ति के सामने जैसे नंदी बाबा की मूर्ति होती है, जो नंदी की स्टेचू मोनोलिथिक एक पत्थर से काट करके बनाई गई है और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। चलिए मैं आपको कुछ ही मोमेंट्स को दिखाता हूँ। मेरे जस्ट पीछे नंदी प्रतिमा है और ये काफ़ी बड़ी प्रतिमा दिख रही है और जस्ट इसके सामने भगवान शिव का जो मेन मंदिर है वो है, तो मैं वहाँ अंदर दर्शन करने जा रहा हूँ। सो मैंने टेम्पल के दर्शन अच्छे से कर लिए हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बताता हूँ मंदिर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। जैसे कि मैंने बताया कि टेम्पल का कंस्ट्रक्शन चोला राजा चोल ने करवाया था और इस टेम्पल को बनाने के लिए करीब 1,30,000 टन से भी ज़्यादा ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ था। बट उससे भी बड़ी चीज़ है कि जो मैंने पढ़ा कि ये अभी तक नहीं पता कि इतना सारा ग्रेनाइट लाया कहाँ से गया था, क्योंकि आसपास के नियर बाई एरियाज़ में इतना ग्रेनाइट है भी नहीं।
राजा जो चोल राजा थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने उस समय बृहदेश्वर मंदिर तो बनवाया ही था, इसके अलावा और भी शिव जी के मंदिर उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान यहाँ पर बनवाए थे। यहाँ की सबसे एक मेन खास विशेषता है कि जो मेन शिव जी का जो गर्भगृह है उसके ऊपर जो गोपुरम बना हुआ है वो करीब 260 फीट का है, और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ है कि वो ऐसे आर्किटेक्चर के तहत बनाया गया है कि जब धूप गिरती है तो किसी भी डायरेक्शन में उसकी परछाई नहीं गिरती है। तो आप सोच लीजिए कितनी ज़्यादा इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर और सूझबूझ से ये मंदिर उस समय बनाया गया था। तंजौर बैंगलोर से करीब 385 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर पड़ता है, और मैं तो मदुरई से आया था, मदुरई से 185 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये सिटी पड़ता है, और रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, हमें मतलब ऐसा कहीं कोई पैच नहीं मिला कि जहाँ पर रोड्स ख़राब रही हो। स्ट्रेट हाईवे लगा हुआ है, आप इधर बैंगलोर से आएँ या फिर आप मदुरई से आ रहे हैं तो आप ये सिटी आ करके विद इन वन डे इसको कवर कर सकते हैं। अगर आपको स्लोली कवर करना है और भी बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं तो आप दो दिन स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज़ टेम्पल्स और इसके आसपास की जो जगह हैं वो वन डे में की जा सकती है। तो गाइज़ अपनी विजिट बृहदेश्वर टेंपल की कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एक सरस्वती महल लाइब्रेरी है जो मराठा रूलर्स के दौरान बनवाई गई थी। काफ़ी आर्किटेक्चरल चीज़ें हैं, काफ़ी पुरानी ओल्ड बुक्स वगैरह हैं, तो वो मैं अब देखने के लिए निकल रहा हूँ। बाकी टेम्परेचर इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये मार्च स्टार्ट हो चुका है अर्ली, और अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस दिन में टेम्परेचर हो रहा है। बिना सनग्लासेस के या इवन हैट के यहाँ पर आप आराम से घूम ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा इस समय गर्मी हो रही है। आई थिंक बेस्ट मंथ्स आने के लिए तो नवंबर दिसंबर जैन या मे बी मिड फेब तक सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप आ रहे हैं। समय पहुंच चुका हूं मराठा नायक पैलेस में। मराठा नायक पैलेस बनाया गया था अराउंड 16 सेंचुरी के आसपास। पहले यहां पर तंजौर में चोलास थे, चोलास के बाद यहां पर आए नायक्स, और जब नायक किंग्स यहां पर आए थे तो उस समय 17 सेंचुरी में इस पैलेस का जो निर्माण वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर आ गए 17 सेंचुरी में यहाँ पर मराठास, तो ये जो पैलेस है इसको मराठा नायक पैलेस कहते हैं, और इससे पहले इसे शिवगंगा फोर्ट भी कहा जाता था। करंटली ये जो पैलेस है इसमें मराठा भोसले फैमिली जो अर्लियर रूलर्स थे वो अभी भी यहाँ पर रिसाइड करते हैं। जब मैं इस फोर्ट के अंदर आया तो यहाँ पर 50 रुपीज़ एंट्री टिकट है, और यहाँ पर दरबार हॉल, एक सरस्वती लाइब्रेरी और एक आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी के अंदर जब आप आते हैं तो आपको अंदर किंग जो सरफोजी थे मराठा उनका एक मेमोरियल है, और उसके आसपास ब्रॉन्ज स्टेच्यूज रखी गई हैं। ये सारी स्टेच्यूज 10th से 11th सेंचुरी की हैं जो बेसिकली चोला वंश डायनेस्टी के दौरान बनाई गई थी, वो यहाँ सब रखी गई हैं। बाकी ये फोर्ट देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है, काफ़ी हिस्ट्री आपको जानने के लिए मिलेगी, और ये 1 बजे के आसपास यहाँ पर क्लोज हो जाता है। अब मैं आर्ट गैलरी में विजिट करने के बाद यहाँ की सरस्वती लाइब्रेरी है उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। दोस्तों मैंने अभी मराठा नायक पैलेस में जो सरस्वती लाइब्रेरी वो विज़िट कर लिया है। अंदर इस लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें थी, बुक्स थी, पुराने आर्टिफैक्ट्स थे, लिपिस थी, रामायण महाभारत की वेपन्स रखे हुए थे, उस टाइम के क्वाइंस रखे हुए थे, बहुत सारी पेंटिंग्स थी, फोटोग्राफ्स थे जो उस टाइम पे लिए गए थे आज से 200-300 ईयर्स पहले, एक महाराजा सिरफोजी की बहुत बड़ी सी पेंटिंग्स वगैरह थी, तंजौर की फेमस ग्लास पेंटिंग्स भी अंदर रखी हुई थी। तो
तो यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप बाहर बैठ कर इस लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, हर लैंग्वेज में यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं। तो एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। और मेन जो लाइब्रेरी है उसके बीच में माँ सरस्वती की एक मूर्ति भी बनी हुई है, और लाइन से आप वहाँ पर देख सकते हैं कि ओल्ड लिपि, छोटे छोटे जो ताड़पत्रों में लिखी जाती थी, प्रिंटिंग्स थी। सो इट वॉज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस। तो अगर आप मराठा नायक पैलेस में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये लाइब्रेरी ज़रूर विज़िट कीजिए। इस समय मैं खड़ा हूँ मराठा नायक पैलेस के दरबार हॉल में। इस समय दरबार हॉल का काफ़ी ज़्यादा रिनोवेशन चल रहा है, तो ये इतनी अच्छी स्टेट पे नहीं है, बट ये भी मराठा एम्पायर्स के दौरान ही बनवाया गया था यहाँ पर। अभी इस दरबार हॉल में मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी लंबे लंबे पिलर्स हैं जो अच्छे से मेंटेन नहीं किए गए हैं। देखिए, इनमें लोगों ने पता नहीं नाम हम लिख डाले अपने, जो भी है ये। और दूसरा, यहाँ पर काफ़ी हाई पिलर्स हैं, ऊपर काफ़ी सारी पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। यहाँ पर भगवान जी की मूर्तियाँ बनी है, शेषनाग की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और पीछे यहाँ पर वुडन स्ट्रक्चर भी काफ़ी हाई सीलिंग्स पे लगाए गए हैं। हाइट वगैरह तो मुझे इसकी अभी नहीं पता है ये, बट इसको काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत है यहाँ। तंजौर को तमिलनाडु का राइस बॉल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राइस काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है। तो नॉट ओनली यहाँ पर टेंपल्स हैं बल्कि पैलेसेस वगैरह हैं, पर यहाँ की जो ग्लास पेंटिंग्स हैं और यहाँ के ब्रॉन्ज मटेरियल से बने हुए आर्टिफैक्ट्स हैं, और उसके अलावा यहाँ पे तंजौर की एक डॉल बहुत फेमस है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे सिटी में कोई फेमस आर्टिफैक्ट्स वगैरह की दुकान मिल जाए, तो वहाँ जाकर मैं उन चीज़ों को देख सकूँ। प्लस हमारे पास यहाँ पर वन डे था और यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं मेन प्लेसेस यहाँ कवर कर सके। बट अगर आपके पास है एक दिन से ज़्यादा, दो दिन है, तो आप और भी यहाँ पर टेंपल्स वगैरह नियर बाई कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले से सीधे आ गया था, यहाँ पर एक कृष्णा भवन है, वहाँ पर आप रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, वेज रेस्टोरेंट है। उसके साथ हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ की पेंटिंग्स और यहाँ की फेमस डॉल्स वगैरह की शॉप्स वगैरह भी हैं। तो वहाँ पर मैंने अच्छे से पेंटिंग्स वगैरह को देखा। पेंटिंग्स की रेंज 5 to 9,000 से लेकर के 1 lakh तक की उनकी रेंजेस थी। गोल्ड प्लेटेड वो पेंटिंग्स होती, ग्लास पेंटिंग्स जो यहाँ की बहुत फेमस है, और यहाँ की डॉल्स वगैरह भी है। तो चलिए थोड़ा सा डॉल्स वगैरह को एक्सप्लोर करते हैं। ये वाला कपल मैंने लिया है, बहुत ही सुंदर दिख रही है, और उनके साथ ही मुझे 2 dolls फ्री मिल गई हैं। सो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करने का टाइम आ चुका है। मैं यहां से निकलूंगा बैंगलोर के लिए। हमारी तमिलनाडु की सीरीज़ भी आज यहीं पर एंड हो रही है। आई होप कि आप लोगों को सारे एपिसोड्स पसंद आए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग्स पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।